हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पर जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हो तो कोई भी डिवाइस ऐड नहीं कर पाते हो विंडोज 10 के अंदर, तो आपके सामने एक एरर आ जाता है कि आपको ये कैन नॉट कनेक्ट। ठीक है, तो आपको जब भी आप ब्लूटूथ आइकन पर क्लिक करते हो, जैसे कि आपका ये ब्लूटूथ और डिवाइस पर जब आप क्लिक करते हो, तो आपके सामने एक एरर आ जाता है कि भाई यहाँ पर आपको ये कनेक्टेड नहीं हो सकता, आप इसको ऑन कर लीजिए। बट ऑन कहाँ से करें और कैसे इसको आपको डिवाइस को कनेक्ट करना है, कैसे ऐड करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग जब क्लिक करते हैं और ब्लूटूथ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हम लोगों को ये एरर आ जाता है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, यहां पर बंद कर देंगे। यहां पर आपको उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो ये स्टार्ट बटन दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, यहां पर राइट क्लिक करना है, रन बटन पर क्लिक करना है आपको, और यहां पर आपको टाइप करना है services.msc। ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने एक विंडोज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको फाइंड करना है ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहां पर, ये यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर आपको चेक करना है कि आपका जो ये सर्विस है वो रनिंग है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये कन्फर्म करना है कि आपका ये सर्विस रनिंग में आना चाहिए, तो यहां पर ये रनिंग दिखा रहा है। यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपके सामने एक प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा ब्लूटूथ का। यहां पर आप क्या करोगे, उसको मैनुअल की जगह आप ऑटोमेटिक स्टार्ट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहां पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है आपको और उसको अप्लाई कर देना है और उसको ओके बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर ये सर्विस भी रनिंग हो जाएगी। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो, यहां पर ये सर्विस रनिंग हो चुकी है। यहां पर ये सर्विस भी आपको रनिंग करना है। ठीक है, यहां पर राइट क्लिक करना है आपको, स्टार्ट कर देना है इसको। ठीक है, तो ये सर्विस भी आपका रनिंग में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर बंद करना है और आपको वापस से फाइंड करना है कि जो आपका ब्लूटूथ का डिवाइस था वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप यहां पर स्टार्ट बटन पर वापस से क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है, ये ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स का, यहां पर क्लिक करेंगे और ब्लूटूथ प्रिंटर माउस करके एक सेटिंग है आपका, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस एक बार चेक करना है। अगर इस केस में अगर आपको यहां पर सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग सेकंड मेथड का यूज करेंगे। यहां पर इसको बंद कर देंगे और यहां पर भी इसको भी बंद कर देंगे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पर आपका जो विंडोज है, यहां पर आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपका जो सिस्टम है उसके अंदर आपको एंटर करना है और यहां पर आपको दिस पीसी का ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर राइट क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है आपको। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको डिवाइस मैनेजर करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ब्लूटूथ का डिवाइस है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर कुछ ऐसा ब्लूटूथ का एक आइकन मिलेगा आपको, यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल किया हुआ, यहां पर आपको राइट क्लिक करना है और स्कैन फॉर हार्ड ड्राइव चेंजेस का ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर राइट क्लिक करना है आपको नीचे से। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक आपका जो ब्लूटूथ का डिवाइस है, ड्राइवर है, यहां पर आपको दिखेगा। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके एक एरो दिख रहा है आपको, तो यहां पर आपको राइट क्लिक करना है। अगर आपका यहां पर इनेबल डिवाइस ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो इट मींस कि आपका जो ये ब्लूटूथ का ड्राइवर है वो डिसेबल किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहां पर इनेबल डिवाइस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहां पर आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया, तो यहां पर आपका वो ब्लूटूथ का जो पूरा का पूरा ड्राइवर है वो यहां पर दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे बंद, इस डायलॉग को हम बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। वापस से हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, राइट क्लिक सेटिंग्स,
यहां पर वापस से आपको ब्लूटूथ एंड प्रिंटेड माउस इस पर जाना है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, पहले यहां पर ये आइकन ऐसा नहीं आ रहा था, ठीक है, तो अभी ये आ गया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन करके रखेंगे। अगर आपका ऑफ है तो उसको ऑन कर लीजिए आप, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना जो मोबाइल है वहां पर जाएंगे और उस पर लॉगिन कर लेंगे। एक बार यहां पर मैंने अपना जो मोबाइल है यहां पर उसका ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है मैंने उसको इनेबल कर दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पर वापस से क्लिक करेंगे। अभी हम लोग ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, यहां पर जो मैंने अभी ब्लूटूथ ऑन किया था अपने मोबाइल का, यहां पर मेरा मोबाइल दिखने लग जाएगा, जो भी आपका डिवाइस है यहां पर आपको भी दिखने लग जाएगा और उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आपके सिस्टम के ऊपर ये ड्राइवर नहीं मिल रहा है आपको, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, मैंने इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप वहां से डाउनलोड जाके कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपका ब्लूटूथ ड्राइवर सर्च नहीं, ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है यहां पर ऐसा दिखा रहा है और उस पर कोई भी दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस सर्च नहीं हो रहा, वो कैसे सर्च करना है, तो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपको कुछ मदद मिली है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।